सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आदत थे रिश्तों में दूध शक्कर की तरह घुल जाने की, याद ही न रहा कि जमाना तो शुगर फ्री हो गया है। धैर्य ही है जो एक सफल और असफल व्यक्ति में फर्क बताता है। अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है। मन में विचारों की हलचल रहेगी फिर जिंदगी कहाँ संतुलित रहेगी। आज का पंचांग 5 मार्च 2023 दिन रविवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 9:30 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:52 से 6:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर रात्रि 9:30 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 5 मार्च 2023 दिन रविवार, आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकती है। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित होगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज कोई प्लान बनाएं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको शायद ध्यान देने की जरूरत है। अपने जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ कला या संगीत के प्रति अपना उत्साह साझा करें। आज अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से मिलने का अच्छा समय है क्योंकि आज आप अच्छे मूड में हैं। आप जीवन की चिंताओं को छोड़कर आनंद और खुशी के साथ हर पल को जीना चाहते हैं। इन पलों को खुलकर जिए। याद रखें कि जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी भी उड़ान नहीं भर सकते। सेहत बढ़िया रह सकती है। बिना बताए आज कोई देनदार आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है जिसके बारे में जानकर आपको अचंभव भी होगा और खुशी भी। आपके पारिवारिक सदस्यों को काबू में रखने और उनकी न सुनने प्रवृत्ति की वजह से वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा। आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यार और उल्लास का केंद्र बन सकता है। किसी खास प्रयोजन को लेकर मन में उत्साह रहेगा तथा कामयाबी भी मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका रुझान बढ़ेगा। मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। किसी मित्र अथवा फोन के माध्यम से फायदेमंद समाचार मिलेगा। काम संबंधित जानकारी मिलने से बड़ी समस्या दूर करना संभव होगा। जिन लोगों के साथ विवाद उत्पन्न हुए हैं उनके साथ बातचीत हो सकती है लेकिन पुरानी बातों का जिक्र किया जाए इस बात का ध्यान रखना होगा। पैसों के काम में कोई गलती होने की संभावना बन रही है, सतर्कता रखें। अधूरी पढ़ाई या कोर्स को पूरा करने का मौका जल्द ही प्राप्त होगा। रिलेशनशिप या जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस होता है उनके साथ दूरियां बनाए रखने की कोशिश करें। खून की कमी उत्पन्न हो सकती है, खान पान का ध्यान रखना होगा। आप कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। किसी रिश्तेदार के यहाँ उत्सव में शामिल होने का मौका मिल सकता है। बात करते समय उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करें, अन्यथा विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बच्चों की परेशानियों में उनका साथ दें और उनका मनोबल बनाए रखें। इस समय मार्केटिंग और मीडिया से जुड़ी गतिविधियों में अपना समय बर्बाद ना करें। पारिवारिक वातावरण सुखी रह सकता है। इस समय तनाव आपकी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। सावधानियां।
बाहरी व्यक्तियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें, बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत ना करें, न ही ज्यादा मेलजोल रखें। भावुकता और उदारता के साथ साथ व्यवहारिक होना भी जरूरी है। ससुराल पक्षी के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। इस समय आपको अपने संबंधों से एक कदम पीछे हटकर अपने जीवन की बड़ी तस्वीर को ध्यान से देखना चाहिए। आप पाएंगे कि आप एक तरह की भूलभुलैया में फंसे हुए हैं और इसे आप यह तक भी नहीं समझ पा रही हैं कि आप वास्तव में अपने संबंध से क्या अपेक्षा रखती हैं। यह समय सारे अतिरिक्त कबाड़ को हटाकर अपने संबंध को स्पष्ट रूप से जांचने का है, ताकि आप सही फैसला ले सकें। आपके सोच के कारण आप सहयोगियों, पड़ोसियों और अपनी शिक्षकों के बीच तारीफ का पात्र बन रही हैं। इसके साथ ही अपने पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। साथ मिलकर किसी यात्रा की योजना बनाएं और किसी रोमांटिक सैर पर निकल जाएं, है ना शानदार। आपके मित्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका खुशनुमा रवैया आपको सभी चिंताओं से बाहर निकालकर आनंदित ढंग से जीवन बिताने की प्रेरणा देता है। आप लोगों की तारीफ करके और उनका ख्याल रखकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। आपका प्रेम आपकी लव लाइफ में अंतरंगता बढ़ाएगा, जिससे आपका प्रेम में जीवन रोमांटिक और आकर्षक बनेगा। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बैंकिंग पेशेवर लोगों के लिए आज का दिन हानि वाला हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। पिता या शिक्षकों पर आया संकट आपको भी प्रभावित करेगा और आपकी कोई खास यात्रा रद्द हो सकती है। यह समय पुराने दोस्तों से मिलने का है। आपका प्रसन्न मूड नए रिश्ते को बनाने और पुराने रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करेगा। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर हर पल का मजा लें। प्रियजनों को अपने प्यार का एहसास दिलाना ना भूलें। खुद पर और उन लोगों पर विश्वास रखें जो आपकी मदद करती हैं। आज के दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके भविष्य की योजनाओं के लिए एक छोटा आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी लें। व्यवसायिक स्थल पर सभी काम अपने देखरेख में ही करवाएं। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी ना करें। कर्मचारी द्वारा नुकसान होने की आशंका है। यह समय बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देने का है। बात करती है सेहत की। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें। त्योहारों के इस मौसम में इसकी अपेक्षा आप कर सकती हैं। सबसे अच्छा उपाय, उपयुक्त खाना खाएं और हल्का अभ्यास जरूर करें, जैसे चलना, सीढ़ियां चलना या साइकिल चलाना आदि। आपका तेजी से चलने वाला दिमाग आपको खाने का पूरा मजा नहीं लेने देता। खाते हुए और किसी भी बात के बारे में ना सोचें। अच्छी तरह चबाकर खाना खाएं। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।